कांग्रेस पार्टी द्वारा कुरवाई 146 से ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है जिसने 10 दिन भी कांग्रेस पार्टी के लिए कुरवाई विधानसभा क्षेत्र में यदि एक भी कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता के सम्मान में कांग्रेस के सम्मान में यदि कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ाने के लिए कोई भी एक काम कर दिया हो, एक आम सभा की हो, तो मैं अभी उनके साथ हुआ जाता हूँ। मेरी पूरी टीम खड़ी हुई है, मेरे पीछे 500 लोग हैं, पीछे 500 लोग जो खड़े हुए हैं, आप इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया है यदि 15 साल में विगत 20 साल में विगत कभी भी कांग्रेस के लिए कोई काम करा हो पार्टी हित में, पार्टी कार्यकर्ताओं के हित में, मेरी पूरी टीम उनके साथ है। अभी हमारे पास 8 तारीख का समय है, मैं पार्टी नेतृत्व से आदरणीय राहुल गांधी जी से जिन्होंने युवाओं की गाइडलाइन बनाई थी, मैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के रिव्यू पैटर्न पर पहचान.com पर जो IYC द्वारा निर्देश है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मैंने प्रोग्राम दिए हैं और राहुल गांधी जी का जो यूथ कांग्रेस का क्राइटेरिया है मेरा कुरवाई विधानसभा यूथ कांग्रेस में नंबर 2 पर है और मुझे ग्रीन सिग्नल से जो राहुल गांधी और IYC का क्राइटेरिया में ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल और रेड सिग्नल का था, कुरवाई विधानसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं की दम पे ग्रीन सिग्नल पाया था और उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस लगी है। मैं पार्टी नेतृत्व से निवेदन करने आया हूं कि अपना निर्णय त्याग दें और कांग्रेस की विजय सुनिश्चित इन कार्यकर्ताओं के भरोसे होगी, नहीं तो पार्टी सुनिश्चित हारेगी। बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं झलकता, मैं आपको बता रहा हूं मध्य प्रदेश की 200-300 विधानसभाओं में तीसरे नंबर पर कुरवाई विधानसभा यूथ कांग्रेस आई है। एक एक पोलिंग बूथ से 264 पोलिंग बूथों पर अभी जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है अगर उससे आप लोग पूछ ले मदागन गांव कहाँ है कुरवाई विधानसभा में, ललितपुर बरखेड़ा कहाँ है, डेंगरा कहाँ है, मैं समझता हूँ वो नहीं बता पाएंगे। राहुल गांधी जी के क्राइट एरिया को फुस करने हमारे आदरणीय मध्य प्रदेश के बड़े नेता लगे हुए हैं। आदरणीय नाम मैं बड़े नेता कौन है आप खुद समझ लो, जो जिनने सबसे बहुत बड़े नेता, सब बड़े नेता हैं साहब, जो बड़े नेता मध्य प्रदेश के उनके द्वारा मेरा टिकट काटा गया है। यूथ कांग्रेस से मेरा नाम था, मैं पूरा टोटल क्राइटेरिया में आ रहा हूँ, सर्वे में मैं आप देख लीजिए, राहुल जी के सर्वे में देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ मैं उनकी ग्रीन सिग्नल में हूँ, तो मुझे कांग्रेस से रेड सिग्नल में कुरवाई विधानसभा से क्यों किया गया। कल दीपावली थी, परसों के दिन मैं दिल्ली लौटा हूँ, उसके एक दिन पहले लिस्ट हुई है, एकदम कार्यकर्ता आता नहीं है, कार्यकर्ता नर्वस है। देखिए कारण कुछ नहीं होता, ये पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है, यहाँ पर प्रदेश के किसी भी कार्यकर्ता को आने जाने की खुली छूट है, पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है, अपनी बात और अपने विचारों को रखने की पूरी आज़ादी है। टिकट किसी प्रत्याशी का हुआ है उसके बारे में इनका कहना है, जो अपनी बात हमारे बड़े वरिष्ठ नेता यहाँ पर बैठते हैं उनके बीच में रखेंगे और उनको पूरा समझाया जाएगा कि जो पार्टी निर्णय लिया पार्टी हित में लिया है, क्योंकि जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए और बराबर महिलाओं को युवाओं को मौका मिले ये राहुल गांधी जी की गाइडलाइन है, उसके अनुरूप टिकट दिया गया, टिकट पूरी ईमानदारी और पूरी जांच पड़ताल के बाद दिया गया। इनका क्या बोलना है उससे, इनका क्या बोलना है, इनके पास क्या आंकड़े हैं, वो सच है कि गलत, इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल कमेटी, जो इलेक्शन कमेटी ने जो टिकट रिकमेंड किया है उसको AICC ने अप्रूव किया है और वो पूरी सभी समीकरणों को ध्यान में रख के किया है, इसमें कोई कोताही नहीं की गई, जीतने वाले योग्य प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, जो लोग नाराज होकर यहाँ आए हैं उन्हें समझाइश दी जाएगी और थोड़ी देर बाद यहाँ माहौल पूरा शांत हो। देखिए उन्होंने का मतलब ये होता है कि किसी एक ने कहा है या किसी व्यक्ति ने कहा है, बहुत सारी भीड़ में 40-50 लोग हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता ही उनको उत्साहित होकर कुछ बोल जाते हैं,
संदीप सप्रे जी ने कहा है, उनको पूरी जानकारी नहीं है, वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी भी मीटिंग है, उसके बाद मुझे लगता है संतुष्ट होकर यहाँ से वापस जाएंगे। 10,000 कार्यकर्ता युवा कांग्रेस के बोल रहे हैं से इस्तीफा देना पड़े। यहाँ पर 10,000 की भीड़ नहीं है, बोल रहे हैं कि भीड़ देखना है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाइए, जहाँ पर टिकट मिलने के बाद जो सिटिंग MLA हैं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ खुला प्रदर्शन हो रहा है और भाजपा कार्यालय के स्थायी पदाधिकारियों को मारने कूटने बाहर आना पड़ रहा है। यहाँ तो कम से कम शांति है, पहली बार कोई समर्थक आए, हम तो सम्मान करते हैं, हम तो समझाएंगे बिठाकर और मामला थोड़ी देर में शांत हो जाएगा।